सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमो। जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपमनकु प्रणाम करुची। महाप्रभुकर से दिव्य कृपारु डी टीवी रो ई स्वतंत्र कार्यक्रम मृत्यु परे जमदंड को आपमनकु स्वागत करुची। भक्तबंधु आपमन आलोचना करबा आज गोटे नियारा विषय जे विषय को सुनि सल्ला परे आपमन निश्चिंत आनंद लाभ करेंगे कहीं मनीष मात्र के भूल आउ पाप मनीष अज्ञानवशत करदे था जो मैंने जाशु पाप करती से मैं मृत्यु पर तो नाना प्रकार दंड पाते कि इहलोक जो मैंने कहती ये स्वर्ग एट नर्क गोटे पटे सत्य हो जाए अनेक कलबल हमें यही संसार भितर पड़े किंतु अज्ञानवशत पापर तार प्रायश्चित मनीष जिते पाप करू तार प्रायश्चित शास्त्र दि जा गरुड़ पुराण दि जा गरुड़ आज पचारिंट भगवान विष्णु को हे विष्णु आपण कहतु प्रभु ये पाप मनीष तो अज्ञानवशत करें तार प्रायश्चित कौन तेणु आज बड़े सुंदर भाव कहते कौन कहले कह अंतिम काल होइले दृढ़ करी धर तुलसी वृक्ष अटई मुख्य मार्गे सार गोमयरे चौरा को आरंदे पीब तापर छाया मंड पकु निर्माणीब कहले तुलसी देहरे छाया मंडप छाई कर तुलसी मध्य परिक्रमा जेहु तुल सीकु जे करई तहारी पापर जे प्रायश्चित हो तुलसी को जदि आपण मैंने परिक्रमा करती किसी पाप कर पापर प्रायश्चित करने को चाहते भक्त बंधु आपण कौन करंतु ना तुलसी परिक्रमा कर दिंतु आउ भक्तबंधु जदि कहाटू आपण धन आनी हेले से लोकटी मरीगला आपण ऋण सुझापी चाहते जे ऋणी तो पापीर प्रायश्चित अच्छे ऋणी पुणी मुख्य पाए ना से ऋण को आपण कौन से अनाथ आश्रम को दान दिंतु ना से ऋण को कौन से गरीब लोक को दान दिंतु ना से जो ऋण टाँचा जीक आनी कौन करतु अंध मुख बधीर जो माने अच्छा जो माने निराश्रय लोक से दान को दे आप प्रायश्चित करते बड़े दान देवे आप तुलसी प्रदक्षिण करेंगे तार पापर प्रायश्चित जो माने ऋण सुझापी चाहते हेले जहाँ ऋण आनी तार आज ठिकना ना से लोकटी मरी जाइए आपण पर कई ना आप भाई लोकर तो कहीं ना मुझे ऋण सुझी ये जो चिंताधारा रखिंट तार प्रायश्चित स्वरूप आपण कौन करें प्रायश्चित स्वरूप किसी अनाथ पा मान आप दान को देपर अंधमुख बधीर को देपर आज दिन देवे सहित तुलसी प्रदक्षिण करेंगे आ भक्तबंधु कहले पितृश्राद्ध जो दिन गृह पड़ब अन्नदान बाबू तु ही से दिन कर पितृश्राद्ध जो दिन गृह पड़ू अनेक पितृश्राद्ध देवाक तो कुंठाबोध कर आउ भक्तबंधु पितृपति होई थाए जेते अपराध अन्न भोजन से होई थाए शुद्ध कहले जदि पितृपुरुष प्रति जदि आप वाक्य कटुवाक्य कही बापा मन कही बापा चलीगला आप प्रायश्चित स्वरूप पितृश्राद्ध दिन गरीब लोक मानू निराश्रय लोक मानू अन्न भोजन देवे ब्राह्मण वैष्णव मानक अन्न भोजन देवा सहित पिता पाखरे कौन करा जीवो ना आपण प्रायश्चित करेंगे भक्तबंधु कहीं जमी गो हत्या पर प्रायश्चित कर्म करा जाए अन्न भोजन दिखती मुंडन हूँ से भाई पितृश्राद्ध दिन अन्न भोजन दे प्रायश्चित करार अच्छे बापा मन में मुझे कष्ट भक्तबंधु मृत्यु पर तो ये गोटे प्रायश्चित कर्म रहा जहाँ बापा देखा आसती किंतु गरुड़ पुराण तार प्रायश्चित लिखाई है बंची बेले जदि भावुं बापा प्रति माँ प्रति मुझे अपराध कर एवं तो बापा माँ को बांटी देखते भक्तबंधु सेमती केवे भी करूँ ना बापा प्रति अपराध हेले जमपुर अनेक दंड आपण मैंने भोग करती भक्तबंधु आपण को जो मैंने पितृ मातृ को कंदे था से मृत्यु पर अनेक दंड जमदूत नहीं कौन करती ना से गोटे जगार पोति दिंती मुंड को बाड़े बाड़े कि टेका पथर में फटा कहीं ये मुंड बापा माँ को तो मुंडिया मारे बर बापा माँ को कष्ट ये नरक जंत्रणा दिंती गंडीर मुंड को अलग कर दिंती भक्तबंधु जो मैंने बापा माँ को अलग कर दिंती हे सुधी सज्जन
तेणु जो मैंने प्रायश्चित करने चाहतु बंचीला बेले बापा पाद धरी क्षमा प्रार्थना करूँ के द्वारा ये भूल हेनी तेणु आपण को चैनल मध्यम नवेदन करी भक्त बंधु केवे बापा माँ को अलग कर दिंतु ना संपत्ति बांटि दिंतु भाई भाई चलो हेले केवे बापा माँ को बांटि दिंतु ना कि दिन पूर्व गोटे बड़ भाई बाहर बसीचे आउ ये समय भितर चारि भाई से मैने गोटे लोक आस पचारे हे तो माँ तो मरी जा तो बापा क्या पाखे बड़ भाई किसी उत्तर देला बापा तो पाखे कि ना ना मो झिया भाई पाखे ना सान भाई पाखे ना सब सान भाई पाखे ना आरे तो बापा क्या पाखे बड़ भाई एमती उत्तर देला आप ताली न बजे रही पारे भक्त बंधु बड़ भाई उत्तर देला आज्ञा बापा क्या पाखे नाती आम चारि भाई जाक बापा पाखे अच्छे तेणु जीवन भितर के बापा पाखे रखा चेष्टा करूँ ना बर बापा पाखे रुहतु ए मनीष चलीगला समृत रत्न आ मिले ना कहीं सत मैंने बड़ सुंदर भाव में कहते नींद अपना भुला कर सुलाया है हमको दर्द अपना सहा कर हसाया है हमको आंसू अपना बहा कर हसाया है हमको दर्द कभी मत दे खुदा की इन तस्वीरों को दुनिया कहते हैं माँ बाप जिसको दुनिया रे दुईटी मूर्ति होती ईश्वर जहाँ को जगत बापा माँ कहे आए सुधी सज्जन समस्ते माँ कथा कहते आज्ञा जो माँ जीवन भितर मस जाक घरे खटे हेले कौन से दरमा निए ना बापा भी कम नुहत आज्ञा बापा मध्य सारा जीवन पर पाखे खटती हेले दरमा तीक आनी घरे खर्च करती आउ जीवन भितर निजपाई के किसी करती ना कुमार पूर्णमी आसे पूर्व दिन मना कर बापा किंतु धार कर झीपाई से दिन वस्त्र नहीं आसती आँ जो पचारे तुम पर मना कर से बापा आखिर लुह गड़ी जाए गोटे बोली झी कि दुईटी झी मोर आ झी पिंधन तो आ किए पिंध भक्त बंधु ये हूँ त्यागवंत स्वरूप हूँ बापा जो बड़े सब बड़े खुशी होता बापाटा मो झी बाहर करी झी बाहर कर आय को जो विदाय दिए से आखिर लुह गड़ाए कहीं तार सबुठ निजर जो कि थाए झी आयटी को विदाय देवाक पड़ू भक्त बंधु जो मैंने झीव को आपण ग्रहण कर सारापर जो मैंने बरपक्ष रही जो मैंने जौतुक मगुचं सवधान ये सवधान कह पकेट्रे गोटे थी डटपेन को आपन को जी क्या देवे न फेर पर्यंत आपई था कितने काम सर डटपेनटा मोर मुझे भक्त बंधु सारा जीवन झीव को जो हृदय रखी से आपण को दे दूसरी ता प्रतिबदल आपन ठूँ कि भी आशा करूनी आपण जनकर हृदय जिनस नहीं सारापर आपण तथा तापर जौतुक मगुचार तो आपण सैतान कई संसार भितर ना भक्त बंधु जीवन रे आपण माने जदि जौतुक दबापाई भी चाहती जौतुक दियंतु हेले को जौतुक ज कहले झील को एमती संस्कार दियंतु ज कहले जे निजर स्वामी को जमपुर रु फेरे आनी पार कहले जहाक आपण संस्कार देवे जो झील को से क्या शाशुघरे नोट उत्तर दौन थू तू कहले क्या शाशुघरे तू बोली कहून थे क्या सांगे कली करून थे उत्तम जौतुक हम जहाँ झील को आपड़ दे कि पठात आओवाला आपड़ इतनी भी आशा करूँ झील ठारू आपण बहु नुहे बर झील बोली विचार करूँ बहुत आशा करूँ भक्त बंधु कहीं कथा कहे कली जुगर झील मैंने अनेक झील को कष्ट दिखते से नर्कपुर वर्णना कराना प्रकार दंड पाती आउ नर्कपुर से मानकू बांधि दि जाए आमि बांधि दि जाए एक विशाल रजु ध्यय बांधि दि जाए आईज से रज को जमदूत मैंने टाणती अर्थात अंटापटू बांधि दि जाए जो दुई भाग गंडीमुंड नई से पर्यंत टाणु था भक्त बंधु अर्थात आपण से दौड़ी दुभाग कर दि जाए कि कष्ट भोगुवे भावतु से मृत्यु पर कहीं मृत्यु पर ही जमदंड अर्थात रजुरे बांधि कषण दि जाए हे सुधी सज्जन केवे निजर झी भली बहु को केवे कष्ट दिंतु ना निर्यातना दिंतु ना साधारण अर्थ लोभ के आपण कष्ट क्या दिंतुनि कहीं कष्ट दिना हृदय कहार हृदय अटै प्रभु मंदिर भक्त बंधु ये भाव में आपण मैंने पितृश्राद्ध कला तार प्रायश्चित कर्म स्वरूप अन्न भोजन आदि दिंत और सब बापा माँ को आनंद रखतु ये कथा आपण को चैनल मध्यम नवेदन करी मुझे नवेदन करी आपण के बापा माँ को जदि हृदय मंदिर भितर न बस पार्टी न बसतु
ये कथा आपण मैंने न रखि पार्टी न रखिले न रखी के पुओ मैंने बंची पर्यंत बापा माँ को केवे भी कौ मंदिर थाली धर बसातु ना भक्त बंधु ये कथा को नवेदन करेंगे चैनल मध्यम आनेक बहु मैंने जोबले शाशु घर बाप घर को जाती भाई मान भारी ज्ञान प्रदान करती जे केवे बापा माँ को अलग कर किंतु एपे शाशु शशुर को अलग करपटे आसी भक्त बंधु ये कथा जमी संस्कार रहा दरकार परिणत बयस दुख देवे छटी ब आखिरे केवे भी लुह दिंतु ना प्रथम ब हूँ बापा द्वितीय ब हूँ बोउ तृतीय ब हूँ ब्राह्मण चतुर्थ ब हूँ बाबाजी पंचम ब हूँ वैष्णव आ षष्ठ ब हूँ विधवा एम आखिर केवे भी लुह दिंतु ना कहीं लुहरे भाषी जीव दुनिया भक्त बंधु यार प्रायश्चित केवे भी ना आनश्चय कह तुलसी वृक्ष को आपण प्रदक्षिण करूँ जदि के अपराध करद्रव्य छड़ी आनी तेणु तुलसी वृक्ष टई मोक्ष मार्गे सार अंतिम काले होइले दृढ़ करी धर मृत्यु पर तुलसी जे मुंड पर थीले जमदूत माने से डरती जे भले आपण मैंने देखी गोटे प्रश्नर आपण को उत्तर मिलगला ये कार्यक्रम अनेक जगार देखि मृत्यु पर तुलसी चंगरा बा तुलसी कुड़ुआ धरी शबर मुंड थोई दिखती कहीं थोंती ये प्रश्नर उत्तर आपण को आगे आम रखिलु आतर होया जे जमदूत माने ता पाख को जीवाकु डरती जहाँ मुंड पाखे तुलसी चंगरा थाए बा तुलसी वृक्ष थाए बा शब निकटे जदि तुलसी कुड़ुआ पशी थाए जमदूत माने डरती बोली गरुड़ पुराण कहते अर्थात से शब निकट को से आत्मा को आनी जमदंड देवाई डरती भक्त बंधु जार मस्तक निकट मृत मस्तक निकट तुलसी वृक्ष थाए आ विज्ञान एवं कहले तुलसी वृक्ष रे ये रखा जाए विज्ञान कारण हूँ कहीं आम शास्त्र आम संस्कृति विज्ञान को मध्य अग्रगति अग्राधिकार दे कहीं जहाँ आम शास्त्र लिखाई किसी ना कि वैज्ञानिक कौन सी निश्चिंत रूप से किसी वैज्ञानिक कारण थी कहीं अनेक बैक्टीरिया मानक तुलसी ही विनाश करें तुलसी वृक्षर औषधीय गुण बैक्टीरिया को विनाश करें बा भूताणु जीवाणु को नष्ट करें अर्थात मृत व्यक्ति देहर बाहुवा भूताणु गुड़ाक कौन कै ना तुलसी वृक्ष ही नष्ट कर दिए से मस्तक तुलसी वृक्ष रखि दि जापटे गरुड़ पुराण कहले जमदूत मैंने डरती आपटे विज्ञान कहले तुलसी वृक्षर एत औषधीय गुण तेणुक आप प्रतिनित्य तुलसी सेवन करूँ तुलसी मूल में जल दिंतु कितु कलीजुगर तो विपरीत घटव तुलसी लगे नदेवे पा पितामाता न पोषे प्राणी ये घटना जमी न घटू आपधान हे तुलसी वृक्ष को भल पाइबा प्रदक्षिण करवा आतामाता जथेष सम्मान दवा परिणत बयस लुह देवानी आखिरे जय जगन्नाथ। ग्रहाधीन जगत सर्वे ग्रहाधीन देवता 17 जनवरी 2023 शनि चलिबे कुंभ राशि मूलती कणस्थ हेबे शनि जानिबाकु चाहंती प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष शनि किपरि फल प्रदान करिवे देखंतु आमर स्वतंत्र कार्यक्रम शनि चलन केवल डीटी ओडिया रे आमर स्वतंत्र कार्यक्रम शनि चलन को देखिया पई डीटी ओडिया को सब्सक्राइब करंतु निश्चय तार नोटिफिकेशन आपण पाई परिवे। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504 डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।